नमस्कार, मैं रश्मि। आप देख रहे हैं देश का सबसे लोकप्रिय न्यूज चैनल प्रजातंत्र टीवी। कोचिंग जा रही इंटर की एक छात्रा के साथ घात लगाए बैठे दरिंदों ने गैंग रेप की घटना को दिया अंजाम। गांव से बड़खेरा कला कोचिंग जाते समय शमशान घाट के करीब सड़क से महज 50 मीटर दूरी पर दरिंदों ने किया गैंग रेप। छात्रा को उतारा मौत के घाट। छात्रा के परिजनों ने थाना बड़खेरा कला में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की। घटना स्थल पर पहुंचकर पुलिस ने आनन फानन में पंचनामा भर के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा। पुलिस ने खोजी कुत्तों के मदद से दो युवकों को हिरासत में लिया। दरिंदों की धरपकड़ जारी। छात्रा की मौत से जनता में आक्रोश। दरिंदों को फांसी देने की मांग। घटना की सूचना पाकर परिजनों से मिलने पहुंचे समाजवादी पार्टी के पूर्व राज्य मंत्री हेमराज वर्मा। योगी राज के बड़खेरा विधायक किशन लाल राजपूत के देर से पहुंचने पर परिजनों के सुननी पड़ी खरी खोटी। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। तीन भाई बहनों में दूसरे क्रम की थी इंटर छात्रा। बड़खेरा कला थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत डंडिया रांझो का मामला। देखिए, निश्चित तौर पे मुझे जैसी सूचना मिली मैं वहां पर पहुंचा और मैंने वहां पर मौके पर देखा कि ना तो घटना स्थल को चिन्हित किया गया जहां उसका ब्लड पड़ा हुआ उस बच्ची का, और ना कोई बैरिकेटिंग की गई। तो नहीं, इस चीज का यहां पोस्टमार्टम हाउस पर जो पुलिस बल तैनात है, आप लोग भी हैं और सत्ताधारी दल के नेता भी, इस चीज से पुलिस बल इतनी जो बड़ी संख्या में यहां पर मौजूद, इसके पीछे क्या कारण है? प्रथम दृष्टया जो है कहीं ना कहीं पुलिस की भूमिका संदिग्ध है, जिला प्रशासन भूमिका संदिग्ध है। ये इतनी बड़ी घटना को इसे दबाना चाहते हैं, हाथरस की तरह इस घटना को उस तरह अंजाम देना चाहते हैं। तो चूंकि हम लोग विपक्ष में हैं लेकिन पीड़ित परिवार के साथ हम लोग खड़े हैं, और पीड़ित परिवार के साथ जहां पर कोई अन्याय होगा हम लोग उसके साथ खड़े हैं और उन्हें पूरा हक दिलाएंगे, उनके उनको न्याय दिलाने के लिए हम लोग हर स्तर पर उनके साथ में खड़े हैं। 3 महीने पहले से गायब है तो इनसे क्या उम्मीद करेंगे? ये अभी तक तो बस जैसी अंतिम संस्कार हो जाए। देखा जा रहा है कि पीएम हाउस पर अभी तक पोस्टमार्टम रिपोर्ट नहीं दी जा रही है। पीड़ित परिवार को आप लोगों की भी मांग है, विपक्ष की भी मांग है। बिल्कुल बिल्कुल, उसकी उसका अधिकार है, मृतक के पिता का और उनके परिजनों का अधिकार, उन्हें पीएम रिपोर्ट दी जाए। जो चोटें उसमें उन्होंने देखी है, जो वीडियोग्राफी उन्होंने कराई है, उनका मेंशन किया नहीं किया, और जिस तरह उसके प्राइवेट पार्ट से ब्लड आ रहा था और उसको बुरी तरह से क्षतग्रस्त किया गया और उसको मुंह में कपड़ा ठूसा गया, उसकी आंख से ब्लड आ रहा था, तो जो है कहां कहां चोटें, उनको किया गया नहीं किया गया, गैंगरेप की पुष्टि हुई या नहीं हुई, इन सारी चीजों को अपना देखने के लिए पीएम रिपोर्ट तो होनी चाहिए। पीएम रिपोर्ट मांग रहे हैं, अगर ये पीएम रिपोर्ट दे देते हैं और कहीं पर कोई इस तरह की जो है चोटों को मेंशन नहीं किया गया है, तो चाहे इस बच्ची का हमें रीपोस्टमार्टम कराना पड़े, चाहे हमें किसी दूसरे प्रदेश में कराना पड़े, चाहे हमें राज्यपाल के पास जाना पड़े, चाहे राष्ट्रपति